नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनडी डिफेंस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एयरक्राफ्ट के बारे में। इसके बारे में आपने सुना तो है ही, सभी ने सुना भी होगा। 2018 में मुद्दा बहुत गर्माया था। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय जो वायुसेना है उसका इतिहास क्या रहा है। तो हम जानते हैं कि 1962 का युद्ध हुआ, भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा कमजोर थी। तो उस समय भारतीय वायुसेना की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो चाइना की वायुसेना और रशिया की वायुसेना या अमेरिका की वायुसेना को टक्कर दे सकें, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। उसके कुछ समय बाद, 1962 के कुछ समय बाद, भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे विमान खरीदे जो कि ब्रिटेन और रशिया और अमेरिका से थे, क्योंकि चाइना से और पाकिस्तान से टक्कर लेना था। इसके बाद दो युद्ध हुए, दोनों में भारत विजयी हुआ। तो इसी से सबक लेते हुए मतलब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भारत में MiG-21 और 27 और 29 विमान खरीदे। तो 1985 तक ये विमान खरीदे गए, और उसके बाद जो आखिरी विमान खरीदा गया वो खरीदा गया 2001 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये विमान था, ये सुखोई M-35, ये विमान सुखोई M-30 था। तो इसके बाद कोई भी विमान 15 साल तक नहीं खरीदा गया। इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो सरकार ने इसे महसूस किया और भारतीय वायुसेना ने महसूस किया कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 41 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए थी, जो कि अब 25 की रह गई है, जिसमें से 15 स्क्वाड्रन जो है वो मिला के 21 और 27 MiG-27 विमानों की थी। MiG-27 और 29 विमानों की थी, विमानों की है भी अभी भी। तो ये विमानों को अभी 2024 तक रिटायर भी होना है। तो इससे पहले भारत सरकार ने फैसला लिया कि भाई और विमान खरीदने चाहिए। तो इसी कड़ी में एक नाम आता है राफेल का। राफेल शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ सन 1980 में जो फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट राफेल ने राफेल का निर्माण शुरू कर दिया, और ये निर्माण हुआ। और उसके बाद सन 2004 में राफेल को फ्रांसीसी वायुसेना में इंडक्ट कर लिया गया, मतलब इसे अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद बहुत सारे चेंज भी हुए इसमें, और देशों ने भी देखा कि ये विमान कैसे काम करता है, तो कई देशों ने इसके ऑर्डर दिए हैं। तो इसी में भारत का नाम आता है, जिन्होंने $8.7 बिलियन का विमानों का ऑर्डर दिया था, जो कि लगभग 58,000 करोड़ रुपये का 2016 में ये डील हुई थी। आज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा होगा। और इसमें जो ऑर्डर दिया था वो एक और इजिप्टियन वायु एयरफोर्स है, उसने भी ऑर्डर दिया, तो उसका भी प्राइस लगभग इतना ही आया था। और सऊदी अरेबिया शायद ऐसे चाहता है, तो उसने भी इसका ऑर्डर दिया है। तो भारत को जो है वो 58,000 करोड़ रुपए में पड़ा। तो जान लेते हैं कि इस विमान की ऐसी क्या खूबी है जो उस समय के 2016 के जो विमान थे उन सब विमानों में ये विमान सबसे अच्छा माना जाता था। तो इस विमान की एक खूबी ये है कि विमान 4.5 जनरेशन का है, जो कि 2016 और 17 में 4.5 जनरेशन विमान एक बेस्ट विमान हुआ करता था। तो आज के 2020 में देखिए, 2021 में भी बात करें तो ये होगा F-35 सबसे अच्छा विमान माना जाएगा, जो कि अमेरिका के पास है। लेकिन ये राफेल राफेल भी कम नहीं है। राफेल की जो कैपेसिटी है कई मामलों में ये F-35 से भी ज़्यादा है। तो 36 राफेल भारतीय सरकार ने खरीदे, अब राफेल 5-6 दिन में भारत आ जाएंगे। तो हम जान लेते हैं राफेल के बारे में। तो हम देखेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें कई सारे मिसाइल लगाई जा सकती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों साइड में और इस साइड में यहाँ पे मिसाइलें लगाई जाती हैं। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये बिना वेट के, मतलब इसका 24,000 वेट होता है, बिना कोई भार रखो तो इसके ऊपर तो 24,000 किलोग्राम होता है इसका ओरिजिनल वेट, और जब इस पर बाहर ले जाना हो तो वो 10,000 किलोग्राम का ये वेट ले जाता है, मतलब 10,000 किलोग्राम का बम और मिसाइल वगैरह ये ले जा सकता है। आगे चलते हैं, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये जो है वो वायुसेना की फोटो है। इसमें जो विमान ऐसे खड़ा रहता है, और यहाँ पे जो है इसका ये यहाँ पे फ्यूल टैंक लगाते हैं। देखा होगा हमने कि जैसे ही विमान उड़ते हैं और कहीं खराबी आ जाती है तो वो फ्यूल टैंक को नीचे छोड़ देते हैं, ताकि आसानी से उड़ने में और क्रैश ना हो विमान, इसके लिए वैसा करते हैं। अगली बात,
ये इसका जो ये है, एक कॉकपिट होता है, इसके अंदर से कोई बाहर और अंदर जा सकता है। अगला है ये देखो, जो भारत ने जो विमान खरीदे थे उन सब की प्राइस हुई 58,000 करोड़। 58,000 करोड़ मतलब 8.7 बिलियन डॉलर की प्राइस थी, जो भारत के इतिहास में शायद तीसरा चौथा सबसे बड़ा सौदा होगा। इसका जो इंजन होता है राफेल का, इसकी एक खासियत है कि ये इंजन M88 के दो इंजन होते हैं, ट्विन इंजन होता है, ये पीछे लगा होता है ना एक और दो, ये दो दो लाल लाल हो रहे हैं तो इसे कहता है ट्विन इंजन। इसका फायदा यह है कि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे से काम चल सकता है, इससे कि एक विमान क्रैश नहीं होता है। तो राफेल के भी कई सारे वर्जन है, जैसे कि हमारे हमारे देखे F-35 का भी एयर एयर और एयर और लैंड और नेवी वाला जो वर्जन है, उसी तरह इसके भी राफेल सी और राफेल सी वाला एक वर्जन है, और राफेल बी वाला एक वर्जन है, और राफेल ए वाला एक वर्जन है। तो राफेल की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई साहब ये 2,000 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो कम्बैट रेडियस होती है वो 1,800 किलोमीटर, मतलब इस क्षेत्र में इस रेडियस में ये कोई भी विमान आएगा तो उसे डिटेक्ट करके उसके साथ भिड़ सकता है। और जो इसकी क्षमता होती है कितनी दूर तक ये मतलब डिटेक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को, तो इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 3,700 किलोमीटर, जो कि मतलब F-35 है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि F-35 की जो डिटेक्शन कैपेसिटी है वो 2,000 किलोमीटर है ओनली, मतलब राफेल से आधी, इसलिए ये अच्छा होता है। और इसकी एक खासियत है कि भाई ये एयर टू एयर 6 मिसाइलें ले जा सकता है, मतलब एक दो मिसाइलें बीच में होंगी और दो दो साइड में होती है, मतलब 6 मिसाइलें आसानी से ले जा सकता है। और क्या ले जा सकता है, ग्राउंड अटैक के लिए 3 लेजर बम ले जा सकता है, और न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए ये 6 एम्स मिसाइल ले जा सकता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए मतलब कहीं भी जमीन पे किसी भी बिल्डिंग को ध्वस्त करना है तो, या किसी भी कैंप को या हमला करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये आप देख रहे हैं, ये राफेल का जो फोटो है वो ऑफिशियली लिया गया है। ये एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है कि ये मल्टी रोल होता है, मतलब बहुत सारे कामों में भी उपयोग आता है, ऐसे यही जरूरी नहीं है सिर्फ मतलब हमला करने के लिए उपयोग होता हो, ये मतलब बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए और इंटरसेप्ट करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए और डिटेक्शन करने के लिए और सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी ये बहुत काम आता है। जो इसका MT8 होता है वो तो मैंने बता ही दिया है, वो 10 टन होता है मतलब 10,000 किलोग्राम होता है। ऑपरेशन सीलिंग जो होता है वो 15,000 मीटर तक कर सकता है, 15,000 मीटर ऊपर तक से ये ऑपरेशन कर सकता है। और इसका वेपन मैंने बता ही दिया 9.5 मतलब 10,000 किलोग्राम के लगभग ही इसका वेपन सिस्टम ये ले जा सकता है। तो ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी सुपीरियरिटी क्या है, इसकी सुपीरियरिटी ये है कि भाई एयर सुपीरियर होता है, मतलब जैसे हमने देखो तुर्की में जो हमला हुआ ईरान में तुर्की के बेस पे, तो इसने जो है तुर्की के रडार की पकड़ में नहीं आया, और F-16 और रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबको इसने तबाह कर दिया है, तो इसकी भी एक खासियत है। अगली खासियत है इसकी ये एरिया रिकॉन्साइंस, मतलब हवा में कैसे विमान को उड़ना है उसके लिए इसकी टेक्नोलॉजी इसमें होती है, तो पायलट आसानी से देख लेता है कि मतलब कैसे आगे उड़ना है, यदि मतलब मौसम खराब हो जाए तो उसमें भी ये कार्य कर सकता है। इन डेप्थ स्ट्राइक इसमें होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे जाके जमीन में बहुत छोटी वस्तुओं को भी आसानी से देख लेता है, इससे स्ट्राइक करने में सुविधा होती है। और एक होता है इसका इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन एक इस टाइप से होता है एंटीना टाइप से, तो वो छोटा सा पतला सा होता है, तो वो देख लेता है कि इस रेडियस में कितने विमान हैं और कौन सा विमान उड़ान भर रहा है, तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट करके पायलट को बता देता है। और इसमें क्या होता है, एक और इसकी सुपीरिटी ये है कि इसमें न्यूक्लियर डिटरेंस लगे होते हैं, मतलब न्यूक्लियर वॉर हेड भी ये ले जा सकता है, जैसे मतलब कहीं भी न्यूक्लियर हमला करना हो तो ये विमान
सबसे उपयुक्त विमान है। और देखते हैं, ये देखिए जितने भी सारे विमान है ना, उन सब में जैसे यूरो फाइटर, सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-21, 30 और MiG-35 और ग्रिपन, इन सब के मुकाबले में ये सबसे सुपीरियर विमान है। F-35 को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे ये हर क्वालिटी में सुपीरियर है। तो ये रहा राफेल का एक डिटेल प्रेजेंटेशन। आगे मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।